नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर गाड़ियों में क्या होता है ना कि जब गाड़ियाँ ठंड के मौसम में जब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो सुबह सुबह हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और गाड़ी ऐसे अगर 3-4 घंटे भी खड़े रह गई तो भी स्टार्टिंग ट्रबल करने लगती है, और गाड़ी अगर रात भर खड़ा रही ना तो स्टार्टिंग ट्रबल तो करती ही करती है। तो वो क्यों करती है वो आज मैं आपको आपके सामने डिटेल में बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग ट्रबल क्यों करती है और उससे कैसे बचे, स्टार्ट ऐसा क्या करें कि स्टार्टिंग ट्रबल ना हो गाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा इंजन है, ठीक है, ये हमारा इंजन है। तो इंजन वर्क कैसे करता है, पेट्रोल जाता है यहाँ से इस जगह पे, हेड और ब्लॉक के बीच में जो गैप रहता है उस जगह पे ब्लॉक में उस जगह में पेट्रोल जाता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सर जाता है, ठीक है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं जाता है, यहाँ से फिल्टर से जब एयर लेता है ना, फिल्टर में यहाँ होल रहता है, यहाँ से एयर लेता है और यहाँ से एयर लेकर कार्बोरेटर में पेट्रोल और एयर का मिक्स होकर इंजन में जाता है, और इंजन में जाता है तब फिर इंजन से जो स्पार्क प्लग होती है ना इंजन में लगा हुआ, ये जो स्पार्क प्लग होती है ना ये वाला ही, इससे करंट जाता है। इससे करंट जब हम किक मारते हैं या सेल्फ लेते हैं ना तो इससे करंट जाती है और स्पार्क होते हैं यहाँ पर, और वो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सर होता है ना उसमें आग लगती है, ब्लास्ट होती है। उसके बाद जब ब्लास्ट होती है ना तो वहाँ पर जो पावर बनता है, ब्लास्ट होने का जो पावर बनता है ना उससे वो पिस्टन धक्का देकर पीछे की ओर जाती है, और पीछे की ओर जाने के बाद फिर वो जब रिटर्न आती है तो फिर से ब्लास्ट होता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और इससे गाड़ी चलती है और गाड़ी स्टार्ट रहती है, गाड़ी हम स्टार्ट रहती है तो गाड़ी चलाती है गियर वगैरह डाल के। तो जब हम ठंड के मौसम में जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जब एयर खींचती है ना वो जो फिल्टर से जब एयर लेती है, वो यहाँ से फिल्टर से जब एयर लेती है एग्जॉस्ट, तो क्या होता है कि जो वातावरण होता है ना, जो टेम्परेचर होता है बाहर का टेम्परेचर जो कि ठंड होता है, ठंडा रहता है, तो वो ठंडा एयर अंदर लेती है, ठंडा एयर अंदर लेती है और पेट्रोल के साथ वो जो ठंडा एयर जब अंदर जाता है ना तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो एयर होता है ना वो ठंडा होता है और गाड़ी ज़्यादा देर खड़ा रहता है। आप देखे होंगे कि बाहर में गाड़ी वगैरह खड़ा रहते हैं तो मॉइस्चराइजर जम जाता है, हर जगह पे नमी हो जाता है, हर जगह पे नमी हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इसका पिस्टन में भी, पिस्टन और हेड में भी नमी हो जाता है, मॉइस्चर जम जाता है, जिस कारण उसे जलने में टाइम लगता है। जब भी हम पेट्रोल और एयर का मिक्स यहाँ पर जाता है और हम किक मारते हैं तो स्पार्क तो होता है और पेट्रोल और एयर का मिक्सर भी जाता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं इसलिए होता क्योंकि उसका जो पेट्रोल में जो मिक्सर होता है ना एयर वाला, उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है जिस कारण वो जल नहीं पाती है और इसलिए वो स्टार्टिंग ट्रबल करती है। उसके बाद फिर जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो स्टार्ट होने के बाद में फिर जब गाड़ी चलने लगती है ना तो कुछ दूर तक आपको ऐसा लगेगा ना कि पेट्रोल छोड़ रहा, इस टाइप का करेगा कुछ दूर तक। उसके बाद में फिर वो जब गर्म हो जाएगी, जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ये पूरा हीट हो जाएगा, तो जब मिक्सर यहाँ से जाता है ना वो तो नमी ही जा रहा है लेकिन वो जाते जाते पूरा हीट हो जाता है, यहाँ पर वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत हीट हो जाता है, तो फिर वो ठीक से चलने लगती है। यही प्रक्रिया हमेशा चलती है और ठंड के दिनों में इसलिए गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल करती है। तो हमें ठंड के दिनों में गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाड़ी में चौक दिया हुआ रहता है, यहाँ पर देख रहे हैं, इस जगह पर गाड़ी में चौक दिया हुआ रहता है, ठीक है। इस जगह पर चौक को ऑफ करने से क्या होगा ना, ये चौक को हम ऑन कर दिए, ये ऑफ है, ठीक है। हम चौक को ऑन कर दिए तो इसका जो एयर जा रहा है यहाँ से यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। यहाँ जो एयर जा रहा है ना यहाँ पर ब्लॉक हो गया, जब हम ये करते हैं तो यहाँ पर एक पत्ती लगा हुआ रहता है जो कि ये अभी ओपन है, खुला हुआ ऐसे रहता है, जब हम चौक देते हैं ना तो ये ऐसे ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाता है तो इधर का एयर जो है रुक जाता है, और जब हम किक मारते हैं तो सिर्फ पेट्रोल ही बाहर निकलता है यहाँ से, जब चैम्बर से पेट्रोल ही जब ये इंजन खींचता है ना तो सिर्फ पेट्रोल ही खींचता है यहाँ से, और पेट्रोल खींचता है तो पेट्रोल खींचने से क्या होता है, सिर्फ पेट्रोल ही जाता है इसमें, तो वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है, और तुरंत स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में आपको 5 से 10 सेकंड तक वैसे ही स्टार्ट रखना है चौक में ही, उसके बाद आपको चौक ऑफ कर देना है, ठीक है, तो गाड़ी आपकी सही स्टार्ट रहेगी। और बहुत लोग क्या करते हैं ना कि स्टार्ट नहीं हो रहा है तो चौक वगैरह देते नहीं है, बस किक मार रहे हैं तो मार रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपका पेट्रोल जा रहा है वहाँ पर और एयर जा रहा है जो कि ठंडा एयर है वो जा रहा है यहाँ पर, बाहर का नमी जा रही है यहाँ पर, और वो स्टार्ट नहीं हो पाती है तो वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पर जो पिस्टन और हेड के बीच में जाता है ना तो वहाँ पर वो जमा हो जाता है, और जिस कारण सारा ऑयल पेट्रोल जो जमा होता है वो चला जाता है प्लग में, और प्लग में ज़्यादा
पेट्रोल जाने से क्या होता है ना, वो भींग जाता है, और भींगने से क्या होता है ना कि वो शॉर्ट हो जाता है। तो बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, ठंड के दिनों में स्टार्ट नहीं होते तो बहुत ज़्यादा किक मारने से प्लग शॉर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको सिंपली चौक लेना है, ये चौक लेना है, और चौक लेकर गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी चौक लेने से तुरंत स्टार्ट होगी। अगर आपके पास होंडा साइन वगैरह है, अगर आपके पास इस जगह पे चौक है, बहुत लोगों का इस जगह पे चौक रहता है, तो जिनका उस जगह पे चौक है ना, उनको क्या करना है कि बस सिंपली चौक लेना है और किक मारना है साइन वगैरह में। आपको एक्सीलेटर भी नहीं लेना है, बस चौक लेके किक मारना है। ये सब में आप एक्सीलेटर ले सकते हैं, लेकिन साइन में आपको एक्सीलेटर नहीं लेना है। साइन में आपको एक्सीलेटर नहीं लेना है, बस चौक लेना है और चाबी ऑन करना है और गाड़ी को किक मारना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे स्टार्ट करके। ये गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, रात भर से खड़ी है गाड़ी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसे जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये स्टार्टिंग ट्रबल करेगी, क्योंकि ये रात भर से खड़ा है गाड़ी। देख रहे हैं, स्टार्ट हो गई लेकिन बंद हो गई है। देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अगर गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी तो ये मिस होकर बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वो जो पेट्रोल और एयर का मिक्सर है ना, वो पूरा जल नहीं पाता, इस कारण ये बंद हो जा रही है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है ना, चौक ले लेना है। ठीक है, सिंपली इसे हम चौक ले लेंगे, चौक ऊपर कर देंगे, डाउन है ना, चौक ऊपर कर देंगे, अब बस मारेंगे तुरंत स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है इसे, मतलब कि 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 सेकंड तक हमें गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें चौक को ऑफ कर लेना है। बहुत लोग कहते हैं ना कि चौक, बिना चौक के स्टार्ट होने से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो भाई अगर स्टार्टिंग ट्रबल आपकी ठंड के मौसम में करे तो चौक आप लगा ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लग शॉर्ट होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चौक दिया हुआ क्यों रहता है, आप ही सोचिए ना कि चौक क्यों दिया रहता है। ये कोल्ड में स्टार्ट होने के लिए दिया हुआ रहता है, ठंड के मौसम में स्टार्ट करने के लिए दिया हुआ रहता है। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे ही साफ गाड़ी का साफ वगैरह करते हैं तो ये उड़ जाता है, और ऐसे ही बहुत लोग चलाने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी चौक में नहीं चलानी है। ठीक है, बस कुछ देर के लिए आपको लगाना है, कुछ देर के लिए आपको चौक देना है, उसके बाद आपको चौक नहीं देना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये गाड़ी गर्म हो गई है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इसे चौक में गर्म करते हैं। चौक दे देते हैं, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपके गाड़ी में सेल्फ है तो आप सेल्फ का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको खाली किक ही मारना है। अगर आपका गाड़ी में सेल्फ है तो सेल्फ का ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि सेल्फ, सुबह सुबह सेल्फ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं। भाई सेल्फ इस्तेमाल नहीं करोगे तो सेल्फ दिया ही क्यों है, बताइए। बहुत लोग कहते हैं ना कि सुबह सुबह सेल्फ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बैटरी अगर सही है तो आप एनी टाइम सेल्फ का इस्तेमाल कीजिए। वो बैटरी वाले कहते हैं कि बैटरी का वैसे लाइफ बचा हुआ रहेगा, उनका गारंटी कवर हो जाएगा, इसलिए वो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट ना करें, क्योंकि सुबह सुबह में ज़्यादा राउंड लेता है सेल्फ, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए बैटरी दुकान वाले कहते हैं कि ऐसा करें, या जो बैटरी बेचते हैं वो ऐसा करें, क्योंकि उनका बैटरी बचा हुआ रहेगा। तो समझ गए कि आप स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों करती है गाड़ियाँ। अगर आप होंडा साइन वगैरह रखे ना, तो होंडा साइन में भी ये बहुत ज़्यादा करती है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा। उसमें सिंपली आपको चौक ले लेना है और इसे रिमूव करके रखना है, ऐसे खींच के रखना है और उसे किक मार लेना है, और किक मार के 5 से 10 सेकंड ऐसे ही छोड़ देना है चौक में ही। उसके बाद चौक ऑफ करके फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ पर आप जा सकते हैं।
पहले वो प्रॉब्लम क्यों करती है उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किक मार रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी आपकी माइलेज अच्छा दे रही है ना तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। अगर माइलेज अच्छा दे रही है तो एयर उसमें ज़्यादा पास हो रहा है, एयर अंदर में ज़्यादा जा रहा है इंजन में। तो अगर आपका माइलेज सही दे रहा है तो इंजन में पेट्रोल आपका कम जा रहा है और एयर ज़्यादा जा रहा, तो वो ज़्यादा स्टार्टिंग ट्रबल करेगी सुबह सुबह कोल्ड में। और ऐसा भी करेगी, ऐसा लगेगा ना कि आपको तेल छोड़ रहा है, ऐसा लगेगा कि तेल छोड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल उसमें कम जा रहा है ना, तो स्लो में आपको ऐसा लगेगा कि तेल पेट्रोल छोड़ रहा है। और जब गाड़ी चल जाएगी कुछ दूर 4-5 किलोमीटर तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, तेल छोड़ने का प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो ठीक हो जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, गाड़ी आपकी स्टार्टिंग ट्रबल नहीं करेगी ठंडी में। चौक का इस्तेमाल करें, ज़्यादा कीक मारिएगा तो आपका प्लग शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।